वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डीआर वर्सेस एसएआई के बीच में जो केसीसी टी20 सीरीज चैंपियनशिप का जो अगला मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर चार ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों, और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। देखो, अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में अपडेट कर दूंगा, तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों इस ग्रुप को, ये आपके हेल्प करने के लिए ही है। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सुलभया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में ये मुकाबला होने वाला है, शाम 4 बजे ये मैच आपको देखने को मिलेगा। ये जो पिच आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बैलेंस पिच है, 150 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक 15 मैचेस हो चुके हैं इस सीरीज के इस ग्राउंड पे, जिसमें से दोस्तों 9 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा और सेकंड बैटिंग टीम यहाँ पे 6 मैचेस जीते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे डीआर की बात करेंगे तो 3 मैचेस खेला है, पहला मुकाबला लॉस करा था, सेकंड मैच यहाँ पे दोस्तों लॉस करा है, और थर्ड मैच की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे विन करा था। एसएआई की बात करते हैं तो एसएआई की टीम पहला मुकाबला विन करा, सेकंड मैच लॉस किया था दोस्तों, और लास्ट मैच भी विन करते हुए आ रहे हैं। एसएआई की टीम ज्यादा मजबूत है, यह चीज ध्यान रखना, एसएआई टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर के बारे में। मोहम्मद सलेह टीम के कैप्टनसी का रोल करेंगे, पहले मैच के अंदर 8 नंबर पर खेलते हुए 1 रन 1 विकेट निकाले थे, फिर ओपन करते हुए 0 रन। दोस्तों, यहां पर इनका T20 फॉर्मेट का रिकॉर्ड देख सकते हैं, कुछ खास नहीं था। 6 मैच के अंदर इनके T20 करियर में 2 रन बनाए थे और 1 विकेट निकाले हैं। उस हिसाब से देखोगे इस टूर्नामेंट के अंदर उतना बेहतर प्रदर्शन रहा भी नहीं है, तो यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं कहूंगा आगे और भी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेट करना। हसन अरीफ ओपन करेंगे, इनको अपनी टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। 2 मैचेस अभी तक खेला है, पहले मैच के अंदर 1 रन ओपन करते हुए फिर 23 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 29 रन बना के 243 रन स्कोर करा है, प्लस 9 विकेट निकाले हैं। बाकी अमित देव ओपन करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 55 रन, फिर 77 रन, फिर 29 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 161 रन स्कोर करा है दोस्तों, इनका और रिकॉर्ड देख सकते हैं बहुत बढ़िया इस टूर्नामेंट के अंदर। अमर जेब को अगर आप चाहें दोस्तों, अमर जेब को तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी ले सकते हैं, देख सकते हैं 3 मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर बात करें शशंका के बारे में दोस्तों, सेकंड राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 1 रन बनाए थे और 1 विकेट निकाले थे 4 ओवर का स्पेल में, फिर 38 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 22 रन। अभी तक देखोगे तो 61 रन बना के 1 विकेट इस टूर्नामेंट के अंदर निकाला है, और बाकी T20 करियर रिजल्ट तो उतना लंबा था नहीं, 3 ही मैचेस खेला था, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बाकी रविंदु की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए 3 रन प्लस 2 विकेट, फिर 55 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 37 रन प्लस 6 विकेट। ओवरऑल देखेंगे तो 95 रन बना के 8 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों। डीआर के टीम की तरफ से ना इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार दोस्तों, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना, अगर आप चाहें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं, जो बॉलिंग अभी तक देखोगे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर रहा है। बाकी यहाँ पे एशन की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 47 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर फ्लॉप, फिर 5 रन प्लस 1 विकेट। वहीं अगर आप बात करेंगे सकीब कसिम के बारे में, थर्ड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 3 रन, कोई विकेट नहीं मिला। जैन फकर की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट। वहीं अगर बात करेंगे नवाज खान, इनको ड्रॉप करना, नदीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं। वसंता की बात करेंगे दोस्तों तो पहले मैच के अंदर 32 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं, इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी बेटर है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, लेकिन गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो 4 ओवर करते हुए दिख जाएंगे आपको। मोहम्मद की बात करेंगे, थर्ड राउंड पर खेलते हुए 24 रन स्कोर करा है, बॉलिंग से फ्लॉप रहे थे, 1 ओवर करा था। बाकी यहां पे बात करें मनराज रामा के बारे में, 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला। नवील की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 20 रन प्लस 1 विकेट। अगर बात करेंगे प्रदीप के बारे में दोस्तों, पहले मैच के अंदर 1 विकेट निकाले हैं, फिर 12 रन प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, ये डीआर का अभी तक खेले गए 3 मैचेस का सारे स्टैट्स आप देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ, कि कौन से प्लेयर ने किस मैच के अंदर क्या बैटिंग ऑर्डर के साथ स्कोर कराया, सारे डिटेल्स आपके सामने है। लेकिन एसएआई की बात करते हैं दोस्तों, यहां पे मोहम्मद फारूक जो कि
की टीम के आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। पहले मैच के अंदर 52 रन, फिर 13 रन, फिर 59 रन स्कोर करा है, ओवरऑल 124 रन स्कोर करा है। बहुत बढ़िया प्लेयर है, अगर आप चाहें तो इनको भी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं, जो टीम के आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी भाई शकीर की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 19 रन, फिर 11, फिर 4 रन स्कोर कराए, दोनों के दोनों ओपनर बल्लेबाज है। सिराज खान फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 65 रन प्लस 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर यहाँ पर 1 विकेट निकाला हुआ है। ओवरऑल देखोगे 68 रन बना के 4 विकेट निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट खिलाड़ी यहाँ पे नवीस के बारे में, दोस्तों ये जो प्लेयर है पहले मैच के अंदर 11, दूसरे मैच के अंदर 1 रन। शेख की बात करेंगे, थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 10 रन, फिर 1 रन, फिर 13 रन स्कोर करा है, ओवरऑल देखोगे 24 रन आया हुआ है। मोहम्मद शफीक 4 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 11 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 3 रन प्लस 1 विकेट, फिर 15 रन प्लस 1 विकेट, ओवरऑल देखोगे 29 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है। साथ पहले मैच के अंदर सेकंड डाउन पे खेलते 25 रन बना के 4 विकेट, फिर यहाँ पे 6 रन प्लस 3 विकेट, फिर यहाँ पे 1 विकेट, ओवरऑल देखोगे 31 रन बना के 8 विकेट निकाले हुए। रफी पहले मैच के अंदर 4 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था। जी सोकेब की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं, फिर 2 विकेट चटकाया हुआ है। प्रमोद दोस्तों यहाँ पे इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। सानू स्टेफन जो कि यहाँ पे 1 विकेट निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे जरियन की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 9 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 36 रन स्कोर करा है। रियाज मोहम्मद 8 नंबर पर खेलते हुए 2 रन बना के 3 विकेट निकाले, दोस्तों एक ही मैचेस खेला लेकिन बॉलिंग बहुत ही बढ़िया करा था। सजीद 4 नंबर पे खेलते 29 रन स्कोर करा है। यासिर को ड्रॉप करना, हालांकि एक ओवर बॉलिंग पे 1 विकेट इन्होंने निकाला था लास्ट मैच के अंदर। बल्लेबाजी 5 नंबर पे किया था लेकिन फ्लॉप रहे थे, 0 रन पे आउट रहा था। तो ये DR और SAI का बैटिंग ऑर्डर, और आपको ध्यान रखना है आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें से जो भी स्टैट्स जिनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको बढ़िया लग रहा है दोस्तों, टॉप ऑर्डर पर खेलते हुए अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से दोस्तों, यहाँ पे संजीव बेस्ट रहेगा DR के टीम की तरफ से। इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे, इनको तो ट्राई करना ही है, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बताते वक्त बताया था। बैटिंग में 3 बैट्समैन एम फारूक को मैं ट्राई करूंगा दोस्तों, यहाँ पे चरियन का भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है SAI की टीम की तरफ से, और यहाँ पे AZ को मैं ट्राई करूंगा। इन तीनों का रिकॉर्ड बैटिंग सेक्शन में बहुत ही बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। ऑलराउंडर में देखेंगे 3 ऑलराउंडर, सिराज खान बेस्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे DR के टीम की तरफ से मैं इनको ट्राई करूंगा। यहाँ पे एम सफू की बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों, इनको भी अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना है SAI की टीम की तरफ से। तो ये 3 ऑलराउंडर प्लेयर ना आपके टीम के अंदर होना जरूरी है, जबको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे। अब रहा बॉलिंग की बात, तो मैंने 4 बॉलर को ले रखा है। सजाद को मैं ट्राई करूंगा दोस्तों, यहाँ पे संगीत को मैं लेने वाला हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे DR के टीम के तो दोनों गेंदबाज जो आपको कंप्लीट 4-4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे साइड से टीम प्रीव्यू है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए मैं इनको ट्राई करता हूँ, वाइस कैप्टनसी के लिए फारूक को मैं ट्राई करूंगा, जो अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरे साइड से टीम है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन को देखते हुए मैंने बनाया हुआ है। अगर लाइनअप के बाद आफ्टर टॉस को भी चेंजेस होता है तो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना है आपको। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां कमेंट करते हैं ना दोस्तों, पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, जैसे आप क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।